आरक्षण मामले की, तो 1 नवंबर से आंदोलन का ऐलान कर चुके गुर्जरों से गहलोत सरकार ने आह्वान किया कि आंदोलन को वापस लिया जाए। इससे पहले जयपुर में मंत्री अशोक चांदना के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, गायत्री राठौड़, ओपी बुनकर और जय सिंह भी मौजूद रहे। बैठक की प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री चांदना ने ऐलान किया कि आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर चर्चा हुई और समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सरकार ने 1252 लोगों को नियमित पे स्केल देने की मांग मान ली है। वहीं जिन 3 गुर्जरों को गोली लगी उनके परिजनों के लिए चांदना ने 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया। वहीं 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को फिर पत्र लिखने की बात कही। वहीं मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, मांगे माने जाने और आंदोलन की अब कोई वजह नहीं बचने पर कर्नल बैंसला को आंदोलन वापसी का ऐलान कर देना चाहिए। अब उनकी मांग है तो राज्य सरकार ने तय किया है कि तीसरी बार भी तत्काल राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को लिखा जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए। इसके अलावा कोई उनके प्रकरण है भी नहीं ज़्यादा बात। और सिर्फ मैं तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि आम व्यक्ति जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने समय समय पे अधिकांश पूरी कर दी है। अब कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है जिस पे अनावश्यक रूप से आंदोलन करने की जरूरत पड़े। मेडिकल बोर्ड्स ने और सब जांचों ने बताया कि उस गोली की वजह से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी मांग है तो मैं निजी तौर पर सामाजिक सहयोग से ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि उन तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। तीसरी घोषणा, 9वीं अनुसूचना के लिए पूर्व में भी प्रदेश सरकार लिख चुकी है भारत सरकार को, और अब ये फिर से फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि 9वीं अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके सामने हैं। राष्ट्रीय लोक